Question number 56. A 2 meter long rope having a mass of 80 gram. Mass per unit length nikal lete hain. 80 gram upon 2. 4 into 10 raised power minus 2. Ye ho jayega. Fixed at one end. It is tied to a light stream. Long rope hai. ऐसा कुछ है सिचुएशन. टेंशन जो है 256 है. यदि स्ट्रिंग में वेलोसिटी निकालें तो किसके बराबर होगी? टी अपॉन म्यू के बराबर होगी. टी जो है 256 है. 4 इंटू 10 इज पावर माइनस 2. इसको करेंगे तो 4 चौक 24, 4 चौक 16, 8 12 आ जाएगा. ये ऊपर चला जाएगा तो 12 के 10 हो जाएगा. 80 मीटर पर सेकंड. इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या 80 मीटर पर सेकंड है. फाइंड आउट द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी. अब ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ओपन एंड हो जाएगा. ये क्लोज्ड एंड है, फिक्स्ड एंड है. तो यहाँ पे तो नोड बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा. सिचुएशन जो है इस टाइप की होगी. ये नोड है, एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होती है? लैम्डा बाई 4. वो किसके बराबर है? एल के बराबर है. लैम्डा जो है इस केस में किसके बराबर हो जाएगा? 4 एल के बराबर हो जाएगा. यानी 4 इंटू 2 8 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकालनी है हमें. तो इस वाले केस में जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो किसके बराबर होगी? वेलोसिटी अपॉन वेव लेंथ. वेव लेंथ जो है 8 है तो कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 हर्ट्स. ठीक है, अगले मोड ऑफ वाइब्रेशन में दो नोड बनेंगे, दो एंटी नोड बनेंगे. सिचुएशन क्या होगी? ऐसी कुछ होगी. तो ये वाली डिस्टेंस जो है लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा बाई 4 है. दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या होगा? 3 लैम्डा बाई 4. वो किसके बराबर है? एल के बराबर है. तो लैम्डा जो है ये न्यू लैम्डा है. लैम्डा डैश की वैल्यू जो है किसके बराबर होगी? 4 एल अपॉन 3 के बराबर होगी. एल 2 है तो 4 इंटू 2 अपॉन 3 8 बाई 3 के बराबर होगी. तो जो सेकंड केस में जो फ्रिक्वेंसी होगी, यानी फर्स्ट ओवर टोन की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो किसके बराबर होगी? 80 अपॉन वेवलेंथ. वेवलेंथ 8 अपॉन 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा. ठीक है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 30 होगी. इसको फर्स्ट ओवरटोन क्यों बोलते हैं? कि जो फ्रिक्वेंसी है इसमें वो क्या आ रही है? 10 आ रही है. ये 3 टाइम्स ऑफ 10 आ रही है. 3 टाइम्स ऑफ 10 आ रही है. तो ये फर्स्ट ओवरटोन में सेकेंड ओवरटोन निकालें तो इसमें क्या होगा? एक नोड और बढ़ जाएगा, एक एंटी नोड बढ़ जाएगा. ये वाली डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा बाई 4 है. लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4. इसको डबल डैश कर देते हैं. इस केस में जो वेवलेंथ है वो किसके बराबर होगी? ये एल के बराबर है तो 4 एल अपॉन 5 8 अपॉन 5. तो जो सेकंड हारमोनी सेकंड ओवर टोन है उसकी फ्रिक्वेंसी किसके बराबर? 80 अपॉन 8 अपॉन 5 50 हर्ट्ज होगी. तो हमें फ्रिक्वेंसी बतानी थी. क्या होंगी फ्रिक्वेंसी बतानी थी और फाइंड द वेवलेंथ बतानी थी. वेवलेंथ जो है उसकी एक वेवलेंथ तो कितनी? 8/3 है. दूसरी जो है 8 है. पहली फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की तो 8 है. फर्स्ट ओवर टोन की 8/3 है और सेकंड ओवर टोन की 8/5 है. ठीक है, ये हमारा बी का आंसर जो बी है उसका आंसर ये हो जाएगा.